बड़ा मजा आएगा। बाय। मुबारक हो। इधर आओ यार। कौन जीता? जीता कौन? मैं जीता। अरे मेरी बहू पैदा हुई। कंग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन। मुबारक हो। थैंक यू। सेलिब्रेशन बाद में होगी, पहले शर्ट के 10,000 रुपए निकालो। पम्मी जानती हो ये कह रहा था कि लड़का होगा। लाओ 10,000। ले लो यार, मगर याद रखो तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनने वाली, और अगर मैंने दहेज में इस 10,000 के 10 गुना वसूल नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी ठाकुर विक्रम सिंह नहीं। अरे दहेज में अगर मैंने ऐसे 6 जहाज न दिए तो कैप्टन से भंडारी बना देना, भंडारी। अरे हमें तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए दोस्त। अजी यहाँ तो बिन पैसे के प्यार नहीं होते। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। अजी मेरे भाई। अजी देखो तुम मेरी बहू के पैदा होने पर खुश नहीं ना? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, बनु जैसे आपका बेटा वैसे मेरा बेटा है। तुम्हारा गिलास कहाँ है यार? Have a drink. Have a drink. अच्छा अच्छा तो ये बात है, लेकिन भाई साहब मेरा ख्याल है आप भी गिलास छोड़ दे तो अच्छा है, क्योंकि कस्टम्स वाले शिप की तलाशी के लिए शिप पर पहुंच चुके हैं। क्या हम बॉम्बे पहुंच गए? यस कैप्टन, वी हैव अराइव्ड। ओह माय गॉड, मैं अभी आता हूं। यार ये कस्टम वाले मेरे शिप पर कैसे पहुंचे? प्लीज कम इन, आइए। मम्मी की तबीयत तो ठीक है, अभी तक सो रही है? कमजोरी ज्यादा मालूम होती है, मैं पहले भी आया तो सो रही थी। बेटी तो उठ गई। अम्मी, 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 अम्मी देखो, अम्मी। वाह जी साहब वाह, नुकसान में से फायदा करना तो कोई ऑप्शन सीखे। माल तो खैर जाता ही जाता, लेकिन कैप्टन को फंसा कर खुद साफ निकल आए, क्या बात है। अब मेरी जायदाद के 4 हिस्से हो जाएंगे, जिनमें से 2 हिस्से यानी आधी जायदाद मेरे बेटे मनु को मिलेगी, 1/4 हिस्सा यानी 25% की हकदार होंगी मेरी माताजी और मेरे सौतेले भाई अजीत, और बाकी का 1/4 हिस्सा कांची को मिलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. मनु मंत्री मैं आऊं? सुनो बेटी। कहिए बेटी। ठाकुर साहब घर पे हैं? पापा तो डॉक पे गए। तुम ठाकुर साहब की? बलराम। अरे भाई तुम इतनी जल्दी जेल से कैसे छूट गए? रहम खाकर सरकार ने बाकी सजा माफ कर। वेरी गुड, अरे भी बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ देख के। अजीत ये बच्ची मेरी है। तुम्हारी बच्ची? हाँ। तुम्हें कुछ नहीं मालूम? नहीं। इसका मतलब है कि भाई साहब ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया तुमने मुझे? अजीब उलझन में हूँ। क्या बात क्या है? बताता हूँ तो भाई की बतानी होती है, नहीं बताता तो दोस्त से बता रही। भाभी क्या मतलब है तुम्हारा? वो तो मेरा दोस्त था, पम्मी को बहन मानता था, मेरी बच्ची को अपनी बहू बनाना चाहता था। जब वो बुखार में तड़प तड़प कर मर रही थी तो उसके लिए डॉक्टर तक नहीं बुलाया गया था। मैं भी बाप हूं, जानता हूं अपनी इकलौती बेटी की मौत का सुनकर तुमको क्या बीत रही होगी, और क्या भी कहता है, हम दोनों विक्रम की ताकत के सामने मजबूर हैं। नहीं मैं मजबूर नहीं, मैं इन दोनों हाथों से उसकी सारी ताकत को कुचल के रख दूंगा। नहीं कुचल सकते बलराम, तुम अगर उसके सामने भी गए तो वहीं पहुंचा दिए जाओगे जहां तुम्हारी बेटी गई है।
अब वहीं जाना है अजीत, वहीं जाना है। लेकिन अकेले नहीं, ठाकुर विक्रम सिंह को साथ लेकर। दोस्तों को नहीं पहचान सके ठाकुर साहब, दुश्मनों को तो पहचान लो। बलराम? हाँ मैं। बलराम तुम पागल हो गए क्या? सवाल मैं पूछूंगा और जवाब तुम दो। मेरे कैबिन में ड्रग्स तुमने छुपाई थी ना, जिस जुर्म की सजा तुम काट चुके हो उसका इल्जाम मुझ पर, और सजा भी तूने दिलाई थी हराम सादे, ताकि तुझ पे कोई शक कुत्ते बोल बोल मम्मी कैसे बनी थी। मैं तो आज तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मम्मी को भी तूने मारा। मम्मी को मैंने मारा? सिर्फ मम्मी नहीं, तूने मेरी मासूम बच्ची को भी मारा था। बच्ची? बोल क्या मारा था उसे? हराम जाने क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? बोल अब। बेवकूफ, कांची जिंदा है और मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला है, समझे? आखिरी बार झूठ मत बोल, मैंने शिप पे बम रख दिया है। सिर्फ दो या तीन मिनट बाकी है। यू स्टुपिड इडियट, कांची जिंदा है और इसी शिप पर है, जाकर खुद देख लो। फिर झूठ? होश में आओ। बलराम, मैं तुम्हें सच कह रहा, कांची बिल्कुल ठीक है और इसी शिप पर है। मैं तुम ये देखो सबूत, मेरी विल, ये देखो मेरी जायदाद किस किस के नाम है, पढ़ो। और ये देखो एडमिशन फॉर्म्स, मैं उसे और मनु को लंदन के एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करने ले जा रहा हूं। क्या लिखा है? कंचन बलराम सिंह, वो तुम्हारी बेटी है। यू ब्लडी फूल, वो तुम्हारी बच्ची है। बच्ची? बच्ची मेरी बच्ची? ओह गॉड, मॉम्स। कॉलिंग बॉम्बे, हेलो, हमारे शिप में आग लग गई है। हेलो, क्या बात है जी साहब, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। तुमने खबर नहीं सुनी क्या? हमारे जहाज डूब गया है, भाई साहब भी गए, बच्चे भी गए, अब मैं सुनिए मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं। बेचारी भाभी तो बहुत ही। आई एम वेरी सॉरी, बहुत अफसोस हुआ मुझे। अबे उल्लू के पते, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन है। मुबारक दिन कैसे? अब ये सारी शिपिंग कंपनी का अकेला वारिस मैं हूँ। अच्छा, ये तमाम ऑफिसेज, सारे घर, सारे शिप्स, सारी जायदाद, इन सब का मालिक सिर्फ मैं हूँ। मैं
ठाकुर अजीत सिंह। सर सर वहां कुछ नजर आ रहा है उस तरफ। चलो चलो उतरो उतरो उतरो। बहुत अच्छी जगह है अंकल। तुम्हें पसंद है? क्या हम यहीं रहेंगे? हाँ बेटे आओ बेटा तुम भी आओ। मनु मैं भी आती हूँ आ जा। अरे वो देखो नारियल वो ऊपर। अरे यहाँ देखो कितने बड़े बड़े आम हैं। ये आम नहीं है ये केरी है। केरी केरी आम नहीं होते क्या? क्यों सेलर अंकल? तुम दोनों ठीक कह रहे हो। अभी केरी है पक्का आम हो जाएगी। चलो ये जगह अपने रहने के लिए ठीक है। पानी भी है तूफान आएगा तो पेड़ रोक लेंगे और फिर समुद्र भी नजदीक है। कभी ना कभी कोई जहाज तो आएगा। अरे ये तो रो रहा है लगता है इसे भूख लगी है। मैं अपने मिट्ठू के लिए खाना लाती हूँ। अरे जंगल में अकेली मत जाना बेटी। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। क्या तुम्हें मालूम है तुम किसकी बेटी हो? इसके पापा जेल में हैं। वो हमारे ड्राइवर है ना जोसेफ वो कह रहा था इसके पापा ने चोरी की थी। तुम्हारे पापा चोर नहीं है। नहीं बेटी तुम्हारे पापा चोर नहीं है। उनको फंसाया गया था। क्या आप मेरे पापा को जानते हो? बहुत अच्छी तरह बेटी बहुत अच्छी तरह। पापा ने चोरी नहीं की थी ना वो अच्छे आदमी थे ना। जोसेफ झूठ बोलता था ना। हाँ बेटा जोसेफ झूठ बोलता है। तुम्हारे पापा चोर नहीं चोर नहीं। क्या तुम अपने पापा को देखना चाहती हो? हाँ कहाँ है वो? ये देखो। अरे ये तो मेरी मम्मी और पापा। हाँ मैं। अरे ये तो आपकी फोटो है। क्या आप मेरे पापा हैं? हाँ मेरी बच्ची मैं ही तेरा पापा हूँ। पापा मेरे अच्छे पापा। मेरी बच्ची कांची कांची मेरी बच्ची कांची कांची। मनु क्या हुआ बेटे रो क्यों रहा है? मुझे मेरे बाबा चाहिए। बस इतनी सी बात पर रोना शुरू कर दिया है? कांची को अपने पापा मिल गए मुझे मेरे बाबा चाहिए। क्या मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ? आप तो कांची के पापा हैं। अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे बाबा कांची के बाबा थे? हाँ। तो कांची के पापा तुम्हारे पापा हो गए। हाँ। तो फिर मैं तुम दोनों का पापा हो गया। पापा पापा हम लोग यहाँ अकेले कब तक रहेंगे? हम यहाँ अकेले कहाँ हैं बेटे? Thank you.
तुम लोग यहाँ क्यों आए? मैंने कहा था बाहर नहीं आना। हमें डर लग रहा था, ये लोग लड़ क्यों रहे थे? ये लोग जंगली हैं बेटा, शायद उन्होंने बाहर की दुनिया का कोई आदमी नहीं देखा, इसलिए मुझे अपना दुश्मन समझ बैठे। मगर हम दुश्मन तो नहीं हैं। हाँ हम दुश्मन तो नहीं हैं, मगर ये बात उनको कैसे समझाए? वो हमारी जबान नहीं समझते, हम उनकी जबान नहीं समझते। क्या वो फिर आएंगे, हमें मार डालेंगे? नहीं बेटा नहीं आएंगे। अगर हम ये कानून बना ले तो। कानून जानते हो क्या है? कानून कोई तोड़ नहीं सकता, सबको मानना पड़ता है। गुड, तो आज से ये कानून बन गया कि हम तीनों में से इस सुरंग के पार कोई नहीं जाएगा, और ये आग जो है ना ये हमेशा जलती रहेगी। तो क्या ये आग हमेशा जलनी चाहिए? हाँ बेटा, ये जंगली लोग जो है ना ये आग से डरते हैं, इसलिए आज से हम तीनों की जिम्मेदारी होगी कि जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, ये आग कभी नहीं बुझेगी। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। हाँ चलो। पापा, पापा, क्या हुआ पापा? पापा क्यों निकल गए? ठीक तो है पापा? मैं तो ठीक हूँ। चलो घर चलो। पापा, पापा क्या हो गया? अंदर चल के लेट जाओ पापा। नहीं ठीक हूँ। दवा की बोतल लाओ। अभी लाया पापा। पापा, मैं आपका बिस्तर लगा दूँ? ये लीजिए पापा। जा, तुम लोग अंदर जाकर सो जाओ। पापा हम आपके पास बैठेंगे पापा। नहीं बेटा, सिद्ध नहीं करते। जाओ। लेकिन पापा। जाओ। जाओ बेटा। जाओ। मेरे बाद ये दोनों अकेले रह जाएंगे, और जब ये जवान होंगे तो फिर नहीं नहीं ये तो पापा। पापा क्या हो गया पापा? आप सोते क्यों नहीं पापा? सो जाऊंगा बेटे, मैं बहुत देरी नींद सो लूंगा ना, और उससे पहले एक काम, एक बहुत जरूरी काम। कंची, माला है कहाँ जो तुम बना रही थी? वो अंदर है पापा। बना ले आओ। मोना? हाँ? ये आग से तेज कर दो। ये लीजिए पापा। मनु, तुम दोनों को शर्मी के अमर बंधन में बांध रहा हूं। ये अग्नि भगवान का साक्षी है। करो शकट जी, तुम मनु के गले में हाथ डालो। मनु, तुम कांच के गले में हाथ डालो। तुम इसका हाथ पकड़ो और इस आग के साथ फेरे लो। जाओ बेटा। आज से तुम मानो की धर्म पत्नी हो, इसकी बीवी हो, इसकी सेवा करना, इसे प्यार करना, यही तुम्हारा धर्म है।
बनो बेटे, कलची आज सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखना। सोच रहा हूं जब धरती से सूरज को छीन लिया जाता है तो उसे कैसा लगता होगा। हमारे सूरज को हमसे कोई नहीं छीन सकता। कंपनी के 8 जहाज उस इलाके को छान चुके हैं जहां एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बच्चों का कोई निशान नहीं मिला। मुझे डर है कि वो। ऐसा मत कहिए, अगर आप हिम्मत हार गए तो मेरे बच्चों को कौन ढूंढेगा। मुझसे वादा करिए आप उन्हें ढूंढते रहेंगे, उस वक्त तक ढूंढते रहेंगे जब तक वो मिल नहीं जाते। ठीक है मीना, मैं वादा करता हूं। जिंदा रहने के लिए सहारा तो चाहिए ही, मनु के मिल जाने की आस ही सही। लालू जा कांची को जगा दे। कांची, कांची, भाई साहब आप मुझे लगता है कि मनु की तलाश बंद कर देनी चाहिए। क्या हो? क्या हुआ? मैं वापस ले रहा हूं भाई साहब। समंदर की लहर ने मेरा घर खुशियों से भर दिया था, आज इसी ने सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ छीन लिया है। Oh,
इधर क्या कर रही हो? तुम इधर मत आओ, जाओ। क्यों, अभी तक गुस्सा उतरा नहीं क्या? जाओ ना यहाँ से। क्यों जाऊँ? नहीं जाऊँगा। जाओ नहीं तो पत्थर मारूंगी। अरे मार के तो दिखा, तेरी नाक तोड़ दूंगा। पागल, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जाओ यहाँ से, जाओ। अच्छा बेटा, तुझे बाद में समझ लूंगा। करो तो लड़ने लगती है, खाती पीती भी नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा।
तेरी तबीयत कैसी है कांची? मुझे कुछ नहीं हुआ। छिपा क्यों रही है? मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है? तुझे चोट लगी है, तेरे बिस्तर पर खून लगा था। बता ना कहाँ चोट लगी है? मुझे कोई चोट नहीं लगी। तेरा गुस्सा अभी तक उतरा नहीं? खैर तू जा, मैं मल्लम मला कर लाता हूँ। ये ले मलम, इसकी तरकीब मुझे सेलर चाचा ने बताई थी, लगाते ही आराम आ जाएगा। बता ना कहाँ है जख्म? कहाँ ना, मुझे कोई जख्म नहीं है। तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है। इतनी मेहनत से बनाकर लाया था, अब तू मरेगी भी तो मैं नहीं आऊंगा। हाँ मरने दो मुझे, निकल जा यहाँ से। मर जाकर, दरिया में जाकर डूब जा तू। वो समझता है कि मैं उसे नाराज हूँ, पर मैं उसे क्या बताऊँ बाबा? मुझे खुद ही नहीं मालूम मुझे क्या हुआ है। तुम मुझे सजा दे रहे हो क्योंकि मेरे तुम्हारा काम नहीं पूरा है। मैं उस पागल थी, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। अब कभी नहीं जाऊंगी बाबा, अब कभी तुम्हारा कानून नहीं तोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। धोखेबाज, तूने इतना बड़ा पाप किया और मुझसे झूठ बोला। मनु मेरी बात तो सुनो। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, निकल जा मेरे घर से। निकल जाओ क्यों? ये तुम्हारा घर ही नहीं मेरा भी है, इसे पापा ने बनाया है। बड़ी आई पापा वाली, अगर तुझे पापा का इतना ख्याल होता तो क्या उनका बनाया हुआ कानून तोड़ती? मनु मैं उस बार इसलिए गई थी। मैंने सब कुछ सुन लिया, तूने गुनाह किया और तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। तुम होते कौन हो मुझे सजा देने वाले? बड़े आए जंगल के राजा। ठीक है, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। जाओ कहीं डूब मरो। मर जाऊंगी, जरूर मर जाऊंगी, पर याद रखना जब मैं नहीं होंगी तब तुम मुझे याद करोगे और रोगे, मगर मैं वापस कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। हाँ हाँ जाओ, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, जाओ। कांची, कांची, कांची आंखें खोलो कांची। जहरीले फल तो बदन चल रहा है, ये तूने क्या किया कांची?
कांची, आंखें खोलो कांची, कांची मुझसे बात करो, कांची मैं अब तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा कांची, कांची तुम पापा के पास नहीं जा सकती, तुम पापा के पास नहीं जा सकती कांची, अगर तुम पापा के पास चली गई तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा कांची। हे भगवान, मेरी कांची को बचा लो भगवान, मेरी कांची को बचा लो, इसे मरने मत देना भगवान, इसे बचा लो। जिंदा हो कांची, तुम जिंदा हो उस्ताद मीठू, कांची जिंदा है, कांची जिंदा है, भगवान ने कांची को वापस कर दिया। अब कैसे लग रहा है कांची, तुम ठीक तो हो ना? कर दो, मैंने तुमसे जंगल का राजा रो रहा है, एक बात कहूं, अब मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, अब मैं तुमसे कभी नहीं झगड़ा करूंगा, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? पहले तुम मुझे माफ कर दो, मेरा कुछ तुमसे ज्यादा है। मुझे आइसक्रीम बहुत याद आती है, याद है जब शाम को आइसक्रीम वाला आता था घंटी बजाते हुए, तो हम कैसे दौड़ के उसके पास जाते थे, घर की आइसक्रीम में वो बात नहीं जो उस आइसक्रीम में थी। अरे हाँ, अपने स्कूल के सामने भी तो एक आइसक्रीम वाला बैठता था, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कितनी अच्छी थी, नीली सफेद। अरे क्या हो गया तुझे, जब देखो घूरती रहती है, क्या हुआ, क्या सोच रही है? मनु तुम बदल गए हो। मैं बदल गया हूँ? कैसे? तुम्हारा बदन पहले ऐसा नहीं लगता था, अब तो अब। अरे बुद्धू कहीं की, पहले तुम बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए, जवान। जवान जवानी। बारिश, चलो अंदर चलो। संभल से चलती। क्या हुआ? पांव मुड़ गया। धीरे से उठ जा। बहुत दर्द है, चला नहीं जाएगा। मैं मदद करता हूँ। आराम से। आराम से। Thank you.
अगर मैं हाथ नहीं लगाऊं तो तुम्हारा पांव ठीक कैसे होगा? ठीक हो गया, अब पैर में बिल्कुल दर्द नहीं। ये देखो, तुम्हारा पैर तो ठीक हो गया लेकिन मुझे बहुत सर्दी लग रही है। तुम ठहरो, मैं तसर पहुंच देती हूँ। अरे ये तो वही दवा है जो पापा पिया करते थे। सेलर चाचा कहते थे कि इसे पीने से सर्दी बिल्कुल नहीं लगती और नींद भी बहुत अच्छी आती है। लाओ। क्या हुआ? ये दवा है या कंबल? थोड़ी बहुत कड़वी है लेकिन दवा कड़वी ही होती है। लो तुम भी पियो। ना बाबा, मुझे तो डर लगता है। बुद्धू, दवा से डरती है? मैंने भी पी है, ले पी। पी ले, पी ले। तूने दो घूंट पी है, मैं भी पीऊंगा। लाओ ना। बस बस, कांची, मुझे दो दो दिखाई दे रहे। दो दो घर, दो कांची, एक इसाक से और एक इसाक। मैं उड़ रही हूँ ऊंचा, बहुत ऊंचा, मेरे चारों तरफ बादल। ए कांची, ओए कांची, कांची ठहरो, मेरे सर में कोई बाजा बजा रहा है। बाजा? किधर है? हाँ हाँ, बाजा सुनाई दे रहा है मुझे। सुनाई दे रहा है तुम्हें? आ रहा है। ए कुछ कुछ गाओ ना। Thank you.
तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, वो जलाने की लकड़ी खत्म हो गई। मैं जंगल से काट कर ले आता हूँ। लकड़ी? मगर तुम तो कल ही लेकर आए थे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। ठीक है, मैं मछली पकड़ कर लाता हूँ। मगर मछली भी बहुत है। हाँ हाँ, मछली भी काफी है। ठीक है, तो मैं आराम ही कर लेता हूँ। तुम जाओ, अपना काम करो। मनु, तुमने सुरंग की आग में लकड़ियां डाली थी? नहीं, मैंने सोचा तुमने डाल दी होगी। कांची, तू अभी तक खा रही है? बहुत भूख लगी है मुझे। जरा अपना पेट देख, फूलता जा रहा है। अरे बस कर, मुझे और खाना है मनु। तू इतनी मोटी बन गई है, इतनी मोटी बन गई है कि पूछो ही मत। खेल खेलते हैं। आज नहीं मनु। क्यों? पता नहीं मुझे क्या हो गया है मनु, सोने और खाने के सिवा किसी काम को जी नहीं जाता। मैं खेल खेलने को भी नहीं। नहीं मनु, मुझे लगता है मेरा खेल पाप है। नहीं तो भगवान मेरा पेट ना बड़ा क्यों कर देता। अरे पगली, बैठ। अगर खेल पाप होता तो हमें इतना अच्छा क्यों लगता, है ना? कभी कभी ऐसा लगता है मनु कि मेरे अंदर कोई घुस गया है। तुम बिल्कुल पागल हो। सच है मनु, देखो कोई है ना? हाँ कांची, अंदर कुछ है, कुछ हिल रहा है अंदर। कांची, अब क्या होगा मनु? क्या हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे कांची, क्या हुआ? मैं पानी लाता हूँ। ये लो पानी लो कांची। भाई साहब, मुझे तो लगता है कि वो खलासी नाम के लालच में गुलाम का गलत मैसेज लेकर आया था और हमें उल्लू बनाकर चला गया। क्या कह रहे हो तुम? और क्या कहूँ, जिस जगह के बारे में बलराम ने लिखा था उसे ढूंढते हुए हमें 9 महीने तो हो गए। चाहे मुझे उतर कर एक एक जजीरा क्यों ना ढूंढना पड़े, मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे मिल जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे।
कांची, कांची क्या हुआ? कांची क्या हुआ? कांची तुम्हें हो क्या गया? कांची तुम बोलती क्यों नहीं? कांची मेरे पास छोड़ दो। कांची नहीं, तुम उठो मत कांची, तुम लेटी रहो, मैं तुम्हारे पास हूँ। कांची तुम बिल्कुल डरना नहीं कांची, तुम्हें कुछ नहीं होगा कांची, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अभी ठीक हो जाओगी कांची, तुम अभी ठीक हो जाओगी। कांची, कांची दर्द कम हुआ? नहीं, मुझे सांस नहीं जा रही मनु, मेरे पास से मत जाना। हाँ कांची, मैं तो छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कांची तू रो मत, कांची तू रो मत। कांची सुरंग की आग। आवाज मत करना, बिल्कुल आवाज मत करना, और कितना भी हो तुम बिल्कुल चुप रहना। कांची उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ हो। कांची मैं उनको अपने पीछे लगाकर यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करता हूँ। मत जाना, अगर तुम्हें कुछ हो तो। नहीं कांची, कुछ नहीं होगा मुझे। कांची मुझे जाने दो, कांची मुझे जाने दो। कांची को संभालना।
कांची, कांची, लालू, लालू, इसे क्या हुआ? लालू मर गया, मालू, लालू मर गया, लालू मर गया, लालू, ये क्या है? ये मेरे अंदर से निकला मालूम, ये बच्चा कांची, ये तो हमारे जैसा है, आंखें, मुंह, नाक, कांची ये तो आदमी है, कांची ये तो आदमी है, ये हमारा बच्चा है, कांची हमारा बच्चा है, अब ये हमारा लालू है, कांची अब ये हमारा लालू है। केला उसे अच्छा नहीं लगता है मनु, बच्चे हमेशा दूध पीते हैं। लेकिन मैं दूध कहाँ से लाऊं, यहाँ गाय भैंस तो है नहीं, मैं नारियल लेके आता हूँ। नारियल कैसे खा सकता है मनु, इसके दांत कहाँ है? अरे बुद्धू, नारियल नहीं, नारियल का पानी। बस कर लालू, बस कर, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये तो चुप हो गया, छत तेरे की, हम इतने बड़े हो गए हैं और हमें कुछ पता नहीं था, और ये इतना सा लालू, इसे सब कुछ मालूम है। भाई साहब, आप हमें मान लेना चाहिए कि हमारा मनु हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गया है। दिमाग तो ये कहता है कि तुम्हारी बात सच है, लेकिन दिल नहीं मानता। दिल तो मेरा भी नहीं मानता भाई साहब, लेकिन इतनी सालों की तलाश करने के बाद भी अगर कोई ना मिले तो इंसान इसके अलावा और कर भी क्या सकता है। यहाँ कितने जजीरे हैं जहाँ हम अब तक नहीं पहुँचे, तब तक मैं चप्पे चप्पे की छान नहीं कर लूंगा, मैं यहाँ से वापस नहीं लौटूंगा। लेकिन इसमें तो सारी जिंदगी लग जाएगी। अब और जिंदगी में रही क्या गया है जी, क्या रह गया है? अगले जजीरे में सिर्फ हमारे आदमी जाएंगे, ठीक है, और भाई साहब की लाश वापस आएगी, समझे? ये देख, ये तेरी नाना है और नानू, जानता है तेरे नाना बहुत बड़े शिप के कप्तान थे, तू बड़ा होकर क्या बनेगा, अपने नाना जैसा शिप का कप्तान या बाप जैसा जंगल का राजा? ओफो, जब देखो सोया रहता है। मैं आपको पहले ही कह रहा था भाई साहब कि जल्दी से देखे गए थे। हाँ जी, लेकिन डूबता हुआ आदमी चिमके का सहारा लेता है। फिर भी अगर मिलने होते तो अब तक मिल गए होते। चलिए वापस शिप पर चलते। ये क्या है? Thank you.
मेरे बच्चे यही है। मनु कांची, कांची मनु मनु। तू मिल जाएगा बेटे, मेरा दिल कहता था कि तू मिल जाएगा। बाबा मेरे बच्चे मनु, अजीत मुझे अपना बच्चा मिल गया, मुझे मनु मिल गया। मुबारक हो भाई साहब, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। ये कांची है, कांची मेरी बच्ची, राम का बहुत दिन हो गए वो मर गए बाबा। ये बच्चा, ये हमारा लालू है बाबा, बेटा बहू पोता, भगवान तूने एक साथ इतनी खुशी दे दी कि अब और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता भाई साहब तो खुशी के मारे फौरन मर जाता। शुभ घड़ी में बुरी बात मत निकालो अजीत, अब तो हमें अपने बच्चों के लिए जीना है, इनके सुख के लिए हमें जिंदा रहना है। ची 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 ची, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भाई साहब? अगर आप जिंदा रहे तो मेरा क्या होगा? ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? आप खुद अपने ठंडे दिमाग से सोचिए भाई साहब कि मैंने अपनी आधी जिंदगी आपकी खिदमत में इसलिए गुजार दी कि मनु नहीं मिलेगा और आपके बाद आपका सारा माल मेरा हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि योलू का पट्टा फिर से मिल जाएगा। चलाइए मत भाई साहब, चलाइए मत। अब आपके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, इन कागजात पर दस्तखत करके अपनी तमाम जायदाद मेरे नाम पर कर दीजिए और आप यहाँ अपने बेटे और अपनी बहू के साथ आराम से रहिए। आराम ज़ादे, जलील, दस्तखत करते हैं या हाँ? नहीं अजी, तेरी कब्र भी यही तेरे बच्चों के साथ बनेगी। छोड़ दो इसे, वरना तेरे बाप को जान से मार डालेंगे। इस लड़की को खत्म कर दो, चलो।
मेरे बच्चों को कुछ मत करो। अच्छा 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 अच्छा, ताकि आप फिर वापस कहीं से आ सके और मैं हवालात के अंदर चला जाऊं। नहीं नहीं भाई साहब, आपका एक्सीडेंट होगा, आपकी लाश वापस जाएगी और इस जगली को इसकी कबूतरी के साथ यहीं दफना दिया जाएगा। अब देखता हूं कैसे भागेंगे ये साले।
शहर के लोग बहुत बुरे हैं मनु, क्या बिगाड़ा था हमने उनका, हमें उनके पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मनु मुझसे वादा करो हम कभी शहर नहीं जाएंगे। नहीं चाची, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना तो पड़ेगा ही। तू क्या समझता है मेरी सारी जिंदगी की पहली को खत्म करके तू बच जाएगा? तुझे भी साथ ही खत्म होना होगा। चाची साथ जिए हम संग में।